हाय, तो आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या है, देखो, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर, तो पहला ऑप्शन क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऑप्शन बी न्यूटन पर कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी वोल्ट मीटर क्यूब। अब देखो, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स सिंबल है फाई इक्वल टू क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस इज इक्वल टू एनक्लोज चार्ज ओवर एप्सिलॉन। अब ई क्या है, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट। मैं एसआई यूनिट क्यों पूछा, देखो यहाँ पे क्या है, एन स्टैंड्स फॉर न्यूटन एंड ये छोटा एम क्या है, ये मीटर है, तो सिंपली पता चल रहा है ऊपर में से दो आएगा वो ऐसा यूनिट ही होगा, यहाँ भी मीटर है यहाँ भी मीटर है, तो ऐसे ही पता चल गया ये चारों जो यूनिट दिया ऑप्शन में सभी ऐसा यूनिट है। ठीक है, पहले वो हमने चेक कर लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होता है, फोर्स मतलब न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब डी क्या, अब डीएस क्या होगा, डीएस होता है सरफेस मीटर स्क्वायर, तो देखो तो फाई का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है क्या, नहीं, कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर, तो ऑप्शन ये वाला कट, ये वाला भी कट। अब सी या डी में से कोई तो एक करेक्ट होगा। अब देखो बी इक्वल टू क्या होता है, बी इक्वल टू होता है ई डी, पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस और बिटवीन चार्जेस, ऐसे ही बोल सकते। तो देखो यहाँ पे अगर E इक्वल टू कुछ ऐसे लिख दे हम लोग V ओवर D, तो यहाँ पे हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं, सो क्या आएगा V ओवर D, ये क्या होगा मीटर स्क्वायर, सो V ओवर D मतलब मीटर, ये पे आ गया मीटर स्क्वायर, एक एक कट गया, सो V स्टैंड्स फॉर वोल्ट मीटर। सो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, वोल्ट, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इसको मार्क कर दो। ठीक है, पता चल गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहां पे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2 एंड देन Q1 एंड Q2 आर बोथ पॉजिटिव, Q1 एंड Q2 बोथ आर नेगेटिव, Q1 is positive and Q2 is negative. Q2 is positive and Q1 is negative. पहले एक चीज देख लो, हमने जब स्टडी किया था, अगर प्लस चार्ज रहेगा तो फील्ड लाइन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पाथ को फॉलो करेगा उसको हम लोग बोलेंगे फील्ड लाइन। अब माइनस होगा तो क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा चार्ज आएगा। ठीक है, अगर सेम चार्ज रहा दोनों में तो क्या होगा, रिपल होगा। पहले तो ये हो गया जो Q1 Q2 आर सेम चार्ज, बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, सो ए और बी इन दोनों में से करेक्ट आएगा, क्योंकि देखो ऑपोजिट चार्ज क्या होता है, सो ये अगर प्लस ये अगर माइनस तो अट्रैक्शन होगा, सेम चार्ज रहेगा तो रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे डायग्राम देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे रिपल्शन आएगा, सो ए और बी में से कोई तो एक करेक्ट होगा। अब कौन करेक्ट होगा हम लोग कैसे समझेंगे, देखो यहाँ पे ये जो एरो दिया हुआ है ना, ये जो एरो को चेक करो, सब चार्ज की तरफ डायरेक्टेड है, मतलब इनवर्ड है। अब नेगेटिव चार्ज जब होगा तभी इनवर्ड आएगा, देखो नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड होता है, तो क्या पता चला, बोथ आर नेगेटिव, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्या है देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी एंड आर डिस्टेंस अवे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू केप्ट एट पॉइंट ए इज वी, पोटेंशियल का वैल्यू दे दिया वी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, if twice of this charge is distributed uniformly on the surface
ऑफ ए हॉलोस्फेयर ऑफ रेडियस 4R विद सेंटर एट पॉइंट ए। तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेंटर कहाँ पे होगा, देखो सेंटर बोल दिया पॉइंट ए है, तो यहाँ पे इसको दे दिया ए पॉइंट, ठीक है। अब इसका रेडियस क्या होगा, इस पॉइंट से यहाँ से रेडियस होगा कैपिटल आर, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, रेडियस 4R, 4 ऑफ स्मॉल r, ठीक है, दे दिया हमने। अब यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट क्या है, पॉइंट P, ठीक है। अब पोटेंशियल एक इनसाइड आएगा और एक क्या होगा, पोटेंशियल सरफेस V इनसाइड एंड V सरफेस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल दिया, द पोटेंशियल एट पॉइंट P एट डिस्टेंस R ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q एस्केप्ड एट ए पॉइंट A, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा एक चार्ज Q है, ठीक है। अब इफ ट्वाइस ऑफ दिस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सर्फेस, तो बहुत ही ईजी है। पोटेंशियल एट P पॉइंट क्या होगा, देखो तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज पोटेंशियल V इक्वल टू क्या आएगा, K, K क्या होगा, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K टाइम्स चार्ज Q, ये वाला R, पहले तो ये वाला पूरा R रहेगा, बोल दिया ये R, ठीक है, ये वही R है। नेक्स्ट क्या दिया, सिंस द रेडियस ऑफ होलोस्फीयर, अब 4R बन जाएगा, नेक्स्ट क्या हो गया, वो होलोस्फीयर का 4R बन जाएगा। सो नेक्स्ट सिंस the radius of hollow sphere is capital R equal to 4 smaller and point P inside the hollow sphere होलोस्फीयर, P कहाँ पे होगा, पॉइंट इनसाइड द होलोस्फीयर। सो यहाँ पे देखो, अब पॉइंट P में इनसाइड पोटेंशियल जो आएगा और सरफेस का पोटेंशियल दोनों सेम आएगा, सो पोटेंशियल इनसाइड इज इक्वल टू पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब के का वैल्यू यहाँ पे क्या था, के इक्वल टू था 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिंपल है। अब देखो क्या होगा, वी सरफेस, सो वी सरफेस इक्वल टू क्या आएगा, के, अब देखो क्यू जो है वो डबल हो जाएगा, बोल देगा ट्वाइस ऑफ दिस चार्ज, जो चार्ज का क्या होगा, ट्वाइस बन जाएगा, सो ट्वाइस क्यू। अब ये वाला रेडियस क्या होगा, अभी एरिया हो जाएगा 4R ओवर 4R, तो काट दो तो फाइनली क्या मिलेगा, के क्यू ओवर R टाइम्स 1 ओवर 2। अब देखो के क्यू ओवर R क्या था, ये वाला, सो फाइनली क्या मिलेगा, V ओवर 2, ठीक है। तो पता चल गया पॉइंट पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा, तो फाइनली ऑप्शन क्या मिला हम लोगों को, बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो 4 चार्जेस प्लस Q माइनस Q प्लस Q एंड माइनस Q आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड A। पहले एक स्क्वायर बना लो, पहले डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बना लिया, ठीक है।
अब कितना चार्ज रहेगा यहाँ पे, माइनस क्यू यहाँ पे, प्लस क्यू यहाँ पे, माइनस क्यू प्लस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसे ऑर्डर में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर का साइड क्या होगा, स्क्वायर का साइड बोल दिया हम लोगों को, यहाँ पे ए ए ठीक है, स्क्वायर का साइड भी मिल गया हम लोगों को। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे अब बोल दिया था वर्क डन इन इंटरचेंजिंग पोजीशन ऑफ एनी टू नेबरिंग चार्जेस ऑफ द ऑपोजिट साइन, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले हम लोगों को पोटेंशियल एट इनिशियल कैलकुलेट करना होगा, अब इंटरचेंजिंग होने से पहले, ठीक है, पहले हम लोगों को ये कैलकुलेट करना होगा इसका डायगोनल क्या आएगा एक स्क्वायर का। तो पहले एक लाइन खींच लो, ठीक है, और एक डायगोनल खींच लो यहाँ पर, ठीक है। अब चार कॉर्नर का चार नेम दे दो, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, डी, ठीक है। अब स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है सभी को पता है हम लोगों को, रूट टू ए, रूट टू ऑफ साइड। तो यहाँ पे डायगोनल का वैल्यू क्या आएगा, रूट टू साइड, तो रूट टू टाइम साइड, ये क्या आएगा, रूट टू टाइम साइड, ठीक है। अब इनिशियल पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सो इनिशियल क्या होगा देखो, सो यू आई इक्वल टू के सब में रहेगा, ये कॉमन ले लो, के मतलब क्या होगा, के इक्वल टू यहाँ पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो के को कॉमन ले लिया तो इसमें क्या रहेगा देखो, सो प्लस क्यू टाइम्स माइनस क्यू, सो माइनस क्यू स्क्वायर ओवर इन दोनों का बीच में क्या आएगा, ए बी डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का बीच में सेपरेशन ए बी, प्लस अब बी सी का क्या होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, सो प्लस इंटू माइनस माइनस, सो माइनस क्यू स्क्वायर ओवर सेपरेशन बिटवीन दिस टू चार्जेस बी सी, प्लस सी डी, सी डी क्या होगा, माइनस क्यू, प्लस माइनस माइनस, माइनस क्यू स्क्वायर ओवर सी डी सेपरेशन बिटवीन दिस टू चार्जेस। नेक्स्ट अब आएगा ए डी, प्लस प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस माइनस माइनस, माइनस क्यू स्क्वायर ओवर ए डी। अब दो डायगोनल रहेगा, दो डायगोनल क्या होगा, प्लस बी डी, प्लस क्यू मतलब प्लस क्यू स्क्वायर ओवर बी डी, प्लस ए सी डायगोनल का देखो, माइनस क्यू मिला के क्या बन जाएगा, प्लस क्यू स्क्वायर ओवर ए सी, ठीक है। के ए बी क्यू स्क्वायर ओवर ए बी क्या होगा, ए माइनस क्यू स्क्वायर ओवर बी सी, ओ बी ए क्यू स्क्वायर ए माइनस क्यू स्क्वायर ओवर ए प्लस क्यू स्क्वायर ओवर रूट टू ए, क्योंकि ये डायगोनल है, स्क्वायर ओवर रूट टू ए, ये भी डायगोनल है। अब हम लोग क्या करेंगे, के क्यू स्क्वायर ओवर ए को
कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, माइनस वन माइनस वन माइनस वन, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस वन, तो यहाँ पे आ जाएगा वन ओवर रूट टू प्लस वन ओवर रूट टू, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे हम लोग, सो के क्यू स्क्वायर ओवर ए ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा माइनस फोर, चारों को अगर ऐड करेंगे तो सो प्लस ये क्या आएगा, टू ओवर रूट टू, सो के क्यू स्क्वायर ओवर ए, सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस फोर रूट टू प्लस टू ओवर रूट टू, सो के क्यू स्क्वायर ओवर ए, अगर हम लोग रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा देखो, सो माइनस फोर रूट टू टाइम्स रूट टू प्लस टू रूट टू, नीचे आ जाएगा टू, क्योंकि रूट टू टाइम्स रूट टू क्या आएगा, टू, सो के क्यू स्क्वायर ओवर ए, ये बन जाएगा रूट टू क्या होता है, टू एट प्लस टू रूट टू ओवर टू, काटेंगे टू टू कट जाएगा, ये वाला आ जाएगा फोर, तो फाइनली क्या मिलेगा देखो हम लोगों को, फाइनली मिलेगा के क्यू स्क्वायर ओवर ए रूट टू माइनस फोर, इंटरचेंज करते हैं, इक्वेशन वन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला, तो वर्क डन इन इंटरचेंजिंग पोजीशन, अब हम लोगों को क्या करना है, इंटरचेंजिंग पोजीशन, तो पोजीशन को इंटरचेंज करना होगा, ठीक है, कर लेते हैं, ये तो सेम ही रहेगा, थोड़ा डायग्राम सेम रहेगा, तो पोजीशन चेंज कर लिया, तो क्या आएगा माइनस क्यू, पोजीशन चेंज होगा क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा माइनस क्यू, यहाँ पे था प्लस क्यू, नीचे भी आ जाएगा प्लस क्यू, बाकी सब सेम। अब देखो नेक्स्ट पार्ट हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब होगा आफ्टर इंटरचेंजिंग पोजीशन, तो यू फाइनल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल आफ्टर इंटरचेंजिंग, आफ्टर चेंजिंग डीसी सेट कर, सो वी गेट क्या मिलेगा देखो, सिमिलरली यू ए था यू आई, ए आ जाएगा यू ए, सो क्या मिलेगा देखो यहाँ पे, सो आ जाएगा के ए बी क्या होगा देखो यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, जो चार्ज क्यू स्क्वायर ओवर ए बी मतलब दे दिया ए, प्लस प्लस माइनस माइनस, सो क्यू स्क्वायर ओवर बी सी क्या होगा ए, अब देते हैं सी डी प्लस 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 क्यू स्क्वायर ओवर ए, अब ए डी क्या होगा प्लस माइनस माइनस क्यू स्क्वायर ओवर ए, अब डायगोनल चेक करते हैं, सो बी डी क्या आएगा प्लस माइनस माइनस क्यू स्क्वायर ओवर रूट टू ए, अब ए सी क्या होगा प्लस माइनस माइनस, सो क्यू स्क्वायर ओवर रूट टू ए, सो के क्यू स्क्वायर ओवर ए को कॉमन ले लिया, प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन, अब देखो यहाँ पे रह जाएगा माइनस वन ओवर रूट टू माइनस वन ओवर रूट टू, ठीक है, ये दो ये वाला कट जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा देखो यहाँ पे, सो फाइनली मिलेगा माइनस के क्यू स्क्वायर ओवर ए टू ओवर रूट टू, जिसको हम लोग रूट टू से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो क्या होगा, तो फाइनली मिलेगा के क्यू स्क्वायर ओवर ए, ऊपर में आ जाएगा टू रूट टू, नीचे आ जाएगा टू, काट दो, तो फाइनली क्या बचेगा के क्यू स्क्वायर ओवर ए रूट टू, ए वाला इक्वेशन टू। सो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, सो वर्क डन इक्वल टू कैलकुलेट करना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, देखो यहां पे फाइनल है, सो के क्यू स्क्वायर ओवर ए को हमने कॉमन ले लिया, बच्चा माइनस रूट टू माइनस था, अब इनिशियल क्या होगा यहाँ पे माइनस रूट टू माइनस माइनस प्लस फोर, सो क्या आएगा आंसर, सो के क्यू स्क्वायर ओवर ए फोर माइनस टू रूट टू, ठीक है, यही होगा वर्क डन डब्लू। सो ऑप्शन चेक कर लेते कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, तो मार्क कर लो ऑप्शन सी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, अब क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, देखो फोटॉन इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एंड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज फ्रॉम ए चार्ज शीट कैरिंग ए चार्ज डेंसिटी ऑफ माइनस 2.21 इनटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम्स पर मीटर स्क्वायर, इट विल स्ट्राइक द शीट आफ्टर द टाइम, कितने टाइम में स्ट्राइक करेगा शीट पर, अप्रोक्सीमेटली दे दिया, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स ही हम लोगों को सॉल्व करना है। पहला देखो, पहले हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सो मास ऑफ फोटॉन, सो मास ऑफ फोटॉन क्या है, देखो सो मास ऑफ फोटॉन है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी, ठीक है। ई क्या है, इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ड्यू टू शीट क्या होगा, सो ई इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, सो सिग्मा क्या होगा, सिग्मा है डेंसिटी, डेंसिटी का वैल्यू गिवन है यहाँ पे, सो चार्ज 2.21 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैल्यू क्या है 8.854 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, ठीक है। तो ये वाला अगर हम लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 124.86 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब देखो सो फोर्स ऑन प्रोटॉन ड्यू टू चार्ज शीट, अब फोर्स ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, फोर्स ऑन प्रोटॉन ड्यू टू चार्ज शीट, एफ इक्वल टू ई स्मॉल ई चार्ज कैपिटल ई, एफ इक्वल टू क्या होता है न्यूटन सेकेंड लॉ से मास टाइम एक्सीलरेशन, अब ई का वैल्यू यहाँ पे है पुट कर दो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम इंटू ई का वैल्यू क्या निकला था यहाँ पे, ई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 124.86, सो अब मास ए मास को इसके नीचे भेज दिया तो क्या आएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इंटू 124.86 ओवर एम,
एम क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे भी दिखा, सो 1.67 इंटू 10^-27 kg। अगर इसको हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1.2 × 10^10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आ जाएगा एक्सिलरेशन। सो यहाँ पे देखो मोशन का फॉर्मूला, सो यूजिंग मोशन फॉर्मूला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू क्या है, यू जीरो, ठीक है, इसको इग्नोर कर गया। सो एस इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोगों को, एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। सो टी इक्वल टू क्या मिलेगा, टू एस ओवर ए रूट, टी निकल गया ही है। सो अब देखो ऊपर में एस क्या है, एस है 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर। सो पुट कर दो यहाँ पे, 2 × 0.1 / a, ये क्या है 1.2 × 10^10 मीटर पर सेकेंड का। सो टाइम का वैल्यू आएगा, कैलकुलेटर से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4.08 × 10^-6 सेकेंड। तो -6 क्या होता है, माइक्रो, ठीक है, सो अप्रोक्स 4 माइक्रोसेकेंड। तो ऑप्शन ए, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, अप्रोक्सिमेटली बोल दिया 4 माइक्रोसेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो assertion एंड रीजन, डिरेक्शन ऑप्शन ए बी सी डी क्या आएगा, देखो इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज कट, एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ऑप्शन बी, इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। इफ assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, इफ assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अब assertion क्या है, देखो यहाँ पे व्हेन टू अनलाइक चार्ज आर ब्रॉट नियरर देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीज। अब रीजन क्या है, ऑल कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब क्या होगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, वी नो दैट, सो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, तो नोट डाउन कर लेना यहाँ पे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज रिमेन सेम। तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन सेम। सो देखो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, व्हेन टू अनलाइक चार्ज are close due to electrostatic force, of attraction the potential energy decrease, the P decrease, so क्या होगा, so देखो assertion and reason both are true, ठीक है, and reason is cut explanation of assertion, so option A both are true and reason is cut explanation of assertion, when conservative force act on direction decrease the potential energy, okay।
पढ़ लेना, अगर कहीं पर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और ये जो एमसीक्यू है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।